हेलो फ्रेंड्स, बिना वाटिका चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके मोगरे की ग्रोथ सही नहीं हो रही है या उनकी बढ़त नहीं हो रही है और उसके ऊपर कलियाँ नहीं आ रही हैं, तो उसके क्या कारण हैं, उसको अपन किस तरीके से दूर कर सकते हैं ताकि पौधे की ग्रोथ आगे बढ़े और कलियाँ उसमें ज्यादा से ज्यादा आए। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि पत्ते सूख जाते हैं, हम सोचते हैं टहनियाँ मर गई या पौधा सूख गया या उसके पत्ते सूख गए, इसकी ग्रोथ सूख गई, इससे फूल क्यों नहीं आ रहे। तो आज इन सब चीजों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। जैसे अब आप ये देखिए, ये टहनी इसकी सूख गई मुड़ गई, उसकी वजह से इसको ग्रोथ नहीं मिली। तो इसको सबसे पहला क्या है कि हम इसको काट देते हैं। ये पूर्ण पेड़ नहीं माया, इसकी पूरी की पूरी ब्रांच जो है वो उसके अंदर जीवन है, तो इसको पहले हम काटेंगे। ये 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 हमने इसको काट दिया। अब आप देखिए, इसके अंदर यहां से इसके ये नोड एरिया, यहां से इसकी ग्रोथ हो रही है। देखिए ये देखिए ये नीचे से यहां से आ रहा है, यहां से ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये दिख रहे हैं आपको, ये यहां 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 भी दिख रहा है, ऐसे यहाँ भी, यहाँ से भी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो अब क्या, आप जैसे हमने इसको ऊपर से थोड़ा सा और काट देते हैं, यहाँ से हमने इसको काट दिया। अब क्या है, इसकी ग्रोथ यहीं पे इसका ये इसको ब्लॉक होने से पूरी पावर जो है अब इन ब्रांचेस को मिलेगी, तो अब इसके अंदर से नई नई कलियां निकलेंगी। दूसरी बात यह है, जैसे यहाँ पर ये देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये बिल्कुल इसकी ग्रोथ, यहाँ से इसकी ग्रोथ रुक गया। अब हम इसको क्या करें, यहाँ से देखिए इसकी मेन ब्रांच, अब हम इसकी ये पत्ते को काट देंगे। ये पत्ता काट दिया हमने, यहाँ से इस पत्ते को काटिए, यहाँ से इस पत्ते को काटिए। यहाँ से क्या होगा कि इसके पास में यहाँ से इसका आपका, दोस्तों ये दिख रहा है आपको, देखिए ये इसको हम नोड एरिया कहते हैं, ये नोड एरिया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से बिल्कुल ये नई ब्रांच निकलेगी। ये दोस्तों आपको दिख रहा है, ये छोटा सा जो है, यहाँ से अब ये इसकी शूटिंग होगी। यहाँ से ये पत्ता मैं काट देता हूँ, यहाँ से ये नीचे एक टहनी निकल रही है, यहाँ से इसके नीचे जो पत्ता है इसको भी अपन काट देते हैं। अब यहाँ से भी एक टहनी निकलेगी और उसके बाद इसके अंदर काफी सारे कलियाँ खिलेंगी, फूल खिलेंगे। यहाँ से ये मल्टीपल ब्रांचेस हो जाएंगे और इसके अंदर फूल भी ऐसे खिलते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे आके इसकी यहाँ से ऊपर से ग्रोथ रुक गई है, दिख रहा है ये जगह यहाँ पे इसकी ग्रोथ रुकी। इसको यहाँ से हम काटते हैं। अब इसके अंदर से देखिए, ये दो नोड एरिया से इसकी दो रूट्स, ये ब्रांचेस निकल रही है, छोटी छोटी है, बिल्कुल छोटी छोटी है। इसको यहाँ से पत्ते उखाड़ दिए। इन पत्तों को काटने से इनकी पूरी पावर, ऐसा लगता है ब्रांच को कि जैसे अब मेरे अंदर ताकत आ गई, तो इसकी जो पावर, पौधे की पावर इन पत्तों में जा रही थी, वो अब इस ब्रांचों में जाएगी। इस ब्रांच से क्या होगा कि अब ये आगे बढ़ेगी और इसके अंदर से कलियाँ आएंगी। मोगरे की कली को मोटा फूल बनाने के लिए, अच्छा हेल्दी फूल दिखाने के लिए इसके अंदर अपन एक चीज और कर सकते हैं। इस मोगरे की एक खासियत होती है कि इसके अंदर जब भी कोई कली खिलेगी उसके अंदर तीन की ब्रांच में होती है। इन तीन की ब्रांच में से, जैसे ये एक दो और ये तीन, अब इस कली को हम मोटा करना चाहते हैं तो इसकी दो साइड वाली कलियों को अपन ये काट दिया और ये काट दिया। अब इसकी पूरी दोनों कलियों की ताकत इसके अंदर आएगी और ये कली मोटी बनेगी। जैसे अब मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितनी अच्छी, मैंने पहले इसकी दो कलियाँ रिमूव कर दी थी और अब ये धीरे धीरे मोटी हो रही है। बट इसके साथ ही इसको, क्योंकि फर्टिलाइजर की भी जरूरत पड़ती है, ये देखो इसको हम एप्सम साल्ट कहते हैं। एप्सम साल्ट, इसमें मैंगनीज और दूसरे कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये साधारण नमक नहीं होता, खाने वाला नमक नहीं होता, ये खाली पौधों के काम के लिए ही प्रयोग किया जाता है। उनकी टॉनिक है ये पौधों का, हर मरे हुए पौधों को ये जिंदा कर सकता है। इस पौधे को, इसको हम एक चम्मच, ये देखिए ये एक चम्मच करीबन 5 ml है, 5 ml चम्मच, इसको हम इस पौधे के ऊपर इस तरीके से डाल सकते हैं। इसके अंदर यूँ डाल दिया और इसके ऊपर फिर इसको हल्की सी हम इसकी गुड़ाई कर देंगे। और हाँ, ये देखिए इसके साथ ही ये जंगली पेड़ पौधे, घास फूस सब निकल आती हैं टाइम टू टाइम, इनको भी आप निकालते रहिए, नहीं तो ये इसकी ताकत को, पेड़ की ताकत को खाते रहेंगे, इसका खाना यही खाते रहेंगे। देखिए ये इसकी हल्का हल्की सी गुड़ाई, इसे गुड़ाई तो इसके लिए एक जीवन है। मेरे ख्याल में किसी भी पौधे के लिए आपको
गुड़ाई का करना बहुत जरूरी है। गुड़ाई खाद से भी ज्यादा का काम करती है, क्योंकि इस गुड़ाई करने से उसके ऊपर की लेयर हल्की पड़ती है, भरूरी होती है, और उसके अंदर से उसको ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वो आगे बढ़ता है पौधा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी लेकिन क्या है, धीरे धीरे डालिए, उसको प्रेशर से मत डालिए, नहीं तो उसके अंदर खड्डा हो जाएगा और वो रूट्स को ख़राब करेगा, रूट्स निकल जाएंगे तो हमारा पौधा मिल जाएगा। अब ये पानी हमने थोड़ा सा डाल दिया। अब दोस्तों क्या है कि बरसात है, इस वजह से मिट्टी पहले से गिली है, लेकिन इस साल्ट की वजह से पानी इसमें थोड़ा सा डाल दिया। हम इस एप्सम साल्ट के बारे में एक और बात बता दें कि इस एप्सम साल्ट को हम पानी में घोल के भी डाल सकते हैं। ये हमने आधा सा चम्मच लिया और इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको हमने यूँ घोल दिया दोस्तों, ये पानी को घोल दिया। अब इस पानी को घोल के हम इस पानी के घुले हुए इसको भी डाल सकते हैं इसके अंदर, तो ये डायरेक्ट उसके अंदर चलेगा। इसको हम स्प्रे बॉटल में डाल करके पत्तों पे स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे उसके पत्तों को भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम आपको देते रहे नई से नई जानकारी। इसके बाद में फिर आपको किसी नई वीडियो, नए फूलों और नए मौसम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।